उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है, छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? अपराधी की हिम्मत, हौसला या हैसियत कैसे हो रही है आपके राज में कि छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दे? आपके राज में हिम्मत कैसे हो रही है कि कानपुर में दो बहनों के साथ लगातार दुराचार करे, जब वो आत्महत्या कर लें, उनके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़े क्योंकि दबंग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और उनसे FIR वापस लेने का दबाव बना रहे थे? ये आपके राज की असलियत है। गृह मंत्री को और सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं, अपने 10 साल की शासन की उपलब्धियां बताने की जगह कभी धर्म के पीछे छुपते हैं, कभी नारी शक्ति के पीछे छुपते हैं, कभी सेना के पीछे छुपते हैं, कभी भगवान श्री राम के मंदिर के पीछे छुपते हैं। ये कायर लोगों की ही पहचान होती है कि जो अपने काम न बता करके अपने कारनामों के पीछे छुपे। प्रधानमंत्री जी वंशवाद और परिवारवाद की बात ना करें तो बेहतर है। उनके अपने लिस्ट में उनके अपने कितने सांसद परिवारवादी हैं, एक बार वो जरा देख ले, हम तो कह कह करके थक गए। उनके पास जो 37 पार्टियां हैं, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, सारी की सारी पार्टियां तो इनकी परिवारवादी है। किस मुंह से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? और हमें और DMK को गर्व है कि हम परिवारवादी हैं। आप बताइए, आपका परिवार है क्या? अब ये वही ठाकरे हैं जो उत्तर भारतीयों को चुन चुन करके मारा करते थे, उनकी सड़क पे अपने गुंडों के द्वारा राज ठाकरे पिटाई करवाया करते थे। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को ये बताना होगा कि उत्तर भारतीयों का इतना बड़ा दुश्मन जो मुंबई में है, उसके साथ हाथ मिला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के वासियों के आप दुश्मन हैं? क्या बिहार के वासियों के आप दुश्मन हैं? या उत्तर भारतीयों के आप दुश्मन हैं? ये बात स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी के लिए नहीं, अपरोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रही हैं, क्योंकि वो कभी शक्ति, आसुरी शक्ति के नाम पर नारी शक्ति के पीछे छुपते हैं, कभी वो सेना के पीछे छुपते हैं, कभी वो भगवान श्री राम के मंदिर के पीछे छुपते हैं। आइए नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी भी कह रही हैं कि मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दा बेरोजगारी है, 1 करोड़ बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं स्मृति ईरानी जी उत्तर प्रदेश में। आइए ना, उनके बीच में बैठिए, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है, हौसला है, आप आइए। नारी शक्ति पर आप बात करना चाहती हैं, कानपुर की उन बच्चियों के घर जाइए जिनके पिता तक को आत्महत्या करनी पड़ी, उनके दुराचार के जो दबंग हैं उनको FIR वापस लेने का दबाव पड़ रहा है। आप आइए, आप दो मुंह ही बातें क्यों करती हैं?